हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करिए एमएस एक्सेल बाय क्लिकिंग हियर। जैसे आप एमएस एक्सेल पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में आता है ब्लैंक और उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल होते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा प्री डिफाइंड फॉर्मेट चाहिए तो आप न्यू पे क्लिक करिए और ये देखिए कितने सारे आपके पास रेडीमेड सैंपल अवेलेबल हैं जिसको आप क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कोई पर्सनल बेस पे बनाना है तो पर्सनल क्लिक करिए, तो देखिए पर्सनल से रिलेटेड आपको सैंपल अवेलेबल रहेंगे जिसको क्लिक करके आप जल्दी से अपना एक्सेल शीट बना सकते हैं। ये देखिए, यदि बिजनेस से रिलेटेड बनानी है तो आप बिजनेस पर क्लिक करिए। जैसे इस पर हमने क्लिक करा और क्रिएट पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए आपके पास आ गया इस प्रकार का फॉर्मेट। आप इसमें कंपनी का नाम चेंज कर लीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है उसको एडिट करके आप अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे स्क्रैच से, तो इसलिए यूज़ करेंगे ब्लैंक। तो इस फाइल को करते हैं क्लोज, आई डोंट वॉन्ट टू सेव। फाइल में गए, न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप चूज़ करिए ब्लैंक। तो ब्लैंक क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक होता हमारा वर्क एरिया, ये हमारा होता है टूल बार सेक्शन, और ये हमारे होते हैं मेनूज। तो हम जो एक्सेल सीखेंगे आज, वो सीखेंगे मेनू वाइज। एक एक करके हम सारे मेनू कवर करेंगे और एक एक चीज़ इसके अंदर की इंक्लूड करेंगे। तो ये लिख के आ रहा है शीट वन, और ये हमारी शीट वन का वर्क एरिया। ये ए बी सी डी जो लिख के आ रहा है ये है आपका कॉलम्स, और ये 1 2 3 4 लिख के आ रहे हैं ये सब आपके हैं रोज। तो वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे जहाँ हम क्लिक करते हैं इसको बोलते हैं सेल, सिंगल सेल एरिया। इसको अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो आप इसको पकड़ के यहाँ से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते जाइए, जहाँ जहाँ तक ड्रैग करेंगे ये मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एफ नेम, एल नेम, यदि आपको इसको थोड़ा जूम करना है तो कंट्रोल की बटन प्रेस करके रखिए और माउस का जो बीच का व्हील होता है उसको आप घुमाइए। ये देखिए, तो इस प्रकार से जूम हो जाएगा, और रिवर्स में ले जाएंगे तो वापस से छोटा हो जाएगा। ये देखिए एल नेम, एज, देन अर्निंग्स। और एज की जगह यूज करते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहां लिखते हैं पिन कोड। मैक थॉमस डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं जल्दी से, 23-04-1999। तो देखिए नेक्स्ट अर्निंग में लिख देते हैं 20,000, पिन कोड लिखते हैं 2 Matthew. अब हमने इस प्रकार से कुछ कंटेंट लिख लिया, इसको रिपीटेड ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट करा,
सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ के ड्रैग करते रहिए जहाँ तक आपको सिलेक्शन चाहिए और ला के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल की बटन कीबोर्ड में प्रेस करके रखिए और सी दबा दीजिए तो कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। ये देखिए डॉट डॉट लाइन शुरू हो गई, यहाँ पर आपने रखा और आपने ये तो एंटर मार दीजिए तो पेस्ट हो गया, या फिर कंट्रोल सी किया यहाँ पर आप कंट्रोल वी कर दीजिए तो ये देखिए डॉट डॉट चलता रहेगा। जब तक ये डॉट डॉट सिलेक्शन दिखा रहा है तब तक आप इसको पेस्ट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, कंट्रोल वी पेस्ट करिए या फिर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पेस्ट। अब ये डॉट डॉट खत्म करना है, फाइनल पेस्ट करना है तो यहाँ पर आके अपना एंटर मार दीजिए। तो इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करिए, ब्राउज में क्लिक करिए और जैसे इस फाइल को आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और लिख दीजिए इधर एक्सेल पार्ट वन और हमने इसको सेव कर दिया। तो ये जो हमने फाइल सेव करी है इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एक्स, ये एक्सटेंशन होता है इस फाइल का। जो भी एक्सेल की फाइल आप सेव करते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एक्स। तो अब बढ़ते हैं आगे, ये फाइल अब हमारी हो चुकी है सेव जो हमारे लोकल कंप्यूटर में, ये देखिए। तो आपने देखा अभी कॉपी और पेस्ट। अब देखिए जो हमने कॉपी किया था जब हमने फाइनली एंटर मारा तो अब यहाँ से पेस्ट हट चुका है, ये देखिए। अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें कॉपी। अब आप ये जो आप सिलेक्शन कर रखा आपने इसको आप एज ए कंटेंट नहीं एज ए पिक्चर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक करिए, ये देखिए एज ए पिक्चर सेलेक्ट कर लिया हमने और ओके करा। अब यहाँ पर लाके जब हम पेस्ट करेंगे इसको तो ये देखिए ये आपका इमेज बन के आया है यहाँ पर, ये कंटेंट नहीं है, आपको इसको करेक्शन भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये एज ए इमेज आ गया है। देखिए पिक्चर फॉर्मेट में आप चले गए, जब ये आप डबल क्लिक करोगे इस पर तो आप पिक्चर फॉर्मेट में आ जाओगे। वापस आप इसमें आ जाओ होम में तो देखिए ये आपका जो सिलेक्शन था वो एज ए इमेज सेव हो गया। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर में अवेलेबल है, हमने डिलीट कर दिया इसको। इसको हमने फिर से कॉपी किया। अब पेस्ट के अंदर में भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं, ये देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। अभी अब तक जो हम कर रहे थे पेस्ट सिंपल वाला कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूलाज वगैरह बहुत सारे इसमें पेस्ट के ऑप्शन आते हैं, हम आगे चल के सीखेंगे कि पेस्ट के क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, पेस्ट वैल्यू वगैरह बहुत सारे हैं। तो अभी हम फिलहाल कंट्रोल वी ही सीखते हैं और उसके आगे हम जाएंगे तब हम सीखेंगे अदर इसके फीचर्स ऑफ पेस्ट के। इसको हमने जैसे डिलीट कर दिया, गलती हो गई, वापस से रीगेन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इधर अंडू कंट्रोल जेड शॉर्टकट की है इसका, या फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए अंडू हो जाएगा, ठीक है। वापस से हमें उड़ाना ही था, गलती से हो गई तो क्या करेंगे रीडू, वापस से डिलीट हो गया, फिर से हम कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं अंडू हो गया। तो ये हो गया अंडू एंड रीडू। कॉपी आपने देख लिया, अब क्या होता है कट, क्या होता है कट में इधर आपने क्लिक करा फिर सेम वैसे ही सिलेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर हमने क्लिक करा और एंटर प्रेस कर दिया तो वहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया, इसको बोलते हैं कट। इस एक लोकेशन से हटा के हमने डाटा दूसरी लोकेशन पे लेके उसको बोलते हैं कट। और कॉपी में क्या होता है वो डाटा वहाँ तो रहेगा ही प्लस दूसरी जगह भी कॉपी हो जाएगा। अंडू कर देते हैं इसको, कंट्रोल जेड किया और एस्केप प्रेस कर दिया, एस्केप प्रेस करने के साथ ही वो सिलेक्शन वहाँ से हट जाता है। अब इनका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ रहा है कैलिबरी और 11 साइज आ रहा है, हमें इसका फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, हमें इसका फॉन्ट नेम लेना है, लाइक एरियल ब्लैक ले लिया हमने, फॉन्ट साइज हमें थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब बड़ा करने पर ये अपना हाइड हो गया डाटा, इसको अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे माउस को यहाँ पर लाइए और देखिए आपका पॉइंटर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बॉर्डर पर लाइए, देखिए
इस प्रकार का जो पॉइंटर आ जाए तो इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, क्लिक करते के साथ ही ये इसके अंदर में फिट हो जाएगा और आपका जो कॉलम है वो एक्सपेंड हो जाएगा। इससे आपका डाटा हाइड नहीं होगा और स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई लोगों को दिक्कत आती है कि आपका डाटा हाइड हो रहा है, कैसे शो कर रहे हैं, जैसे इस प्रकार से, या फिर मैनुअली इसको ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लीजिए और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखिए और इसको खींच के ले जाइए जितना लंबा आपको ले जाना है। तो इस प्रकार से आप इसकी ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही आप रोज़ को भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आए और इसको पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बोल्ड। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है बोल्ड ही होता है। इसको चेंज कर देते हैं किसी और नाम से, इसको वापस अंडू करते हैं। हाँ, अब ये आ गया वापस से। इसको हमें बोल्ड करना है तो हम क्या चूज़ करेंगे, बोल्ड। वापस हटाना है तो वापस इस बी पे क्लिक कर दो। शॉर्टकट की है इसे कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी फिर से प्रेस किया तो नॉर्मल हो गया। ऐसे ही इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट की है, प्रेस किया वापस से प्रेस किया तो हट जाएगा। ऐसे ही अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा। वापस से इस पर क्लिक करिए, अंडरलाइन हट जाएगा। डबल अंडरलाइन चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, डबल अंडरलाइन आ जाएगा। वापस से इसको क्लिक कर दीजिए, हट गया। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग। ऐसे ही आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करते चले जाइए, ये देखिए बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे छोटा करना है तो यहाँ पर क्लिक करते जाइए, छोटा हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज। तो ये हो गया इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड ये हो गया डिक्रीज फॉन्ट साइज। ऐसे ही यदि आपको इसका कलर करना है बैकग्राउंड, जैसे जैक और मैथ्यू का बैकग्राउंड हमें कलर करना है येल्लो से, तो हमने क्लिक कर दिया येल्लो कलर। येल्लो से नहीं चाहिए, कोई और कलर से क्लिक करना है तो इसमें ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और कलर चूज़ करते चले जाइए, दिखाता चले जाएगा आपको प्रीव्यू यहाँ पर। अब देखिए हमने ये चूज़ कर लिए, लाइक ब्लू यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो बैकग्राउंड कलर हो गया इसका फिल कर गया बाय ब्लू। ये कलर हमें नहीं चाहिए, हटाना है तो आप चूज़ करेंगे नो फिल। और यदि आपका मन चाह कलर इसके अंदर में नहीं है तो आप मोर कलर्स में जाके चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसको यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसमें देखिए पॉइंटर को ऊपर नीचे मूव करिए कि कितना डार्क कितना हल्का करना है और कलर पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए जैसे ये, तो ये कलर आ गया। ओके किया तो देखिए ऐसा हो गया। नेक्स्ट, यदि फॉन्ट का ही कलर चेंज करना है तो आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक कर दिया रेड आ गया बाय डिफॉल्ट, अंडू करा हमने। अगर और कोई कलर चाहिए तो इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और चूज़ कर लीजिए कि मुझे ये कलर चाहिए। ये देखिए तो फॉन्ट का कलर भी यहाँ चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इसमें बॉर्डर्स की। यदि आपको बॉर्डर देना है इसका तो क्या करना है, हमने चूज़ कर देना है लाइक बॉटम बॉर्डर। ये देखिए ये नीचे आ गया ना बॉर्डर, हमने दो सिलेक्शन कर रखा था तो दोनों के नीचे में बॉर्डर आ गया और किसी के नीचे नहीं आ रहा। देखिए अब हमने चूज़ करा टॉप बॉर्डर, तो देखिए ये दो के ऊपर में भी बॉर्डर लाइन आ गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट राइट सब बॉर्डर इसमें चूज़ कर सकते हैं। यदि हमने चूज़ करा ऑल बॉर्डर तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसका फ़ायदा कब होता है, जब आप प्रिंटआउट लेते हैं तो आपकी ये जो दिख रहे हैं ना अलग अलग सेल्स अलग अलग रोज, ये एज ए प्लेन पेज पे सिंपल वे से सिर्फ इनका टेक्स्ट का प्रिंटआउट होगा। आपको ये जो कॉलम वाइज अगर डिवाइड करके बीच में लाइन करके डिवाइड करके प्रिंटआउट निकालना है तो उस समय आप चूज़ करेंगे इसको, यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने से क्या होता है, पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी इस कॉर्नर पर क्लिक करने से। और हमने चूज़ कर लेना है इसको क्या ऑल बॉर्डर क्लिक करो। तो ये क्या होगा, इससे आपको जब आप प्रिंटआउट निकालोगे तो प्रिंटआउट निकालते समय ये कॉलम्स में डिवाइड होके इस प्रकार से प्रिंटआउट आएगा, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अंडू अंडू, तो ये आप बॉर्डर का इस्तेमाल तब करिए यदि आपको
प्रिंट आउट निकालते समय अलग अलग इसमें स्पेसिफाई करना है अलग से। अब यदि आपको खुद का बॉर्डर बनाना है तो इसमें जाइए और यहाँ पर आकर ड्रॉ बॉर्डर बोल दीजिए, कहाँ से कहाँ तक बनाना है देखिए, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते चले जाएगा और बॉर्डर आता चला जाएगा। ये अंडू कर देते हैं तो इस बॉर्डर को आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने कोई बॉर्डर बना रखा है, जैसे हमने इसको बॉर्डर को बना लिया, ऐसे जाते हैं इसमें ड्रॉ बॉर्डर हमने ऐसे किया बन गया। अब इसको इरेज करना है कुछ पोर्शन को, तो आप इरेज बॉर्डर पर जाइए और बता दीजिए कहाँ से इस पर हटाना है। ये देखिए हटाते चलिए, बता दीजिए कि यहाँ तक मुझे हटाना है, देखो हट गया। तो जैसा आप चाहें वैसे इसका बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉर्डर का कैसे कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें इस सेक्शन में, अलाइनमेंट सेक्शन में। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया और इस वाले को भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। अब यहाँ क्लिक कर देते हैं हम, यहाँ पर हमने क्लिक करा, अब आ जाते हैं ये क्या है आपका टॉप अलाइन। अभी क्या हो रहा है बॉटम अलाइन हो के आ रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको हमने क्लिक करा टॉप अलाइन हो गया है। ये हो गया आपका मिडल अलाइन। मिडल अलाइन पे क्लिक करते ही वर्टिकली मिडल में अलाइन हो जाएगा। ये है आपका बॉटम अलाइन, इस पर क्लिक करोगे तो बॉटम में लिख जाएगा। तो जैसा आप चाहें वैसा इसका इस्तेमाल करके अपना फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है लेफ्ट अलाइन होकर आ रहा है डाटा, हमने इसको क्लिक करा सेंटर तो ये सेंटर अलाइन हो गया। यही ऐसे ही राइट अलाइन किया तो राइट साइड में आ गया, और हमने इस पर क्लिक करा तो लेफ्ट अलाइन हो गया। तो इस प्रकार से आप अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे हमने मैथ्यू सेलेक्ट कर रखा है तो हमने यहाँ क्लिक करा ओरिएंटेशन पे और चूज करा एंगल काउंटर क्लॉक वाइज, इस पर क्लिक करते साथ ही ये देखिए मैथ्यू कैसा लिख के आ गया। फिर से हमने इसमें क्लिक करा एंगल क्लॉक वाइज ऐसे, तो आप खुद क्लिक करके देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे चेंज हो रहा है। वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो सीधा वर्टिकली टेक्स्ट लिख के आ जाएगा, ये देखिए ऐसे लिख के आ गया। देखिए एम गायब हो गया तो इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए तो देखिए दिखाई देगा सब कुछ। रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए तो इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे कई बार होती रिक्वायरमेंट आपको कुछ वर्कबुक बनाने कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको इस प्रकार से अगर टेक्स्ट शो करना था उसका उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट डाउन इस पर क्लिक करिए तो इस प्रकार से हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया देखिए। देन लास्ट में आपका आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पर हमने क्लिक करा और आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से भी, जो आपने वहाँ से चूज़ करा वो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट जस्टिफाई फिल जैसे आप चाहें इसमें चूज़ कर सकते हैं। अब हमने जैसे इसको ऐसे लिख किया टेक्स्ट, इसका चेंज करना डायरेक्शन तो यहाँ इसको पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए और ओके कर दीजिए, तो जैसे आपने घुमाया वैसे इसमें आ गया। तो और भी ज़्यादा अगर फॉर्मेटिंग कर रही है तो उस समय आप यूज़ करेंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, और यहाँ से जैसे चाहे वैसे आप चूज़ कर सकते हैं। इसको करते हैं अब अंडू। और वापस से ऊपर उसको छोटा कर देते हैं। ये हो गया आपका अलाइनमेंट सेक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये क्या है आपका डिक्रीज इंडेंट और ये है आपका इंक्रीज इंडेंट। हमने इस पर क्लिक करा इंक्रीज पे तो देखिए इस प्रकार से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा जितना आपको मैन्युअली बढ़ाना है आगे। डिक्रीज करेंगे तो वापस से पीछे आता चला जाएगा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे सेल को उसके अंदर में। रैप टेक्स्ट, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर एक सेंटेंस,
यहाँ हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट MS Excel ट्यूटोरियल वीडियो, हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट इसके अंदर में लिख दिया बाय क्रिश टॉयज TOYZ। अब इसको लिखने के बाद यहाँ का कंटेंट तो हाइड हो गया, मतलब यहाँ शो नहीं कर रहा, तो उस समय हम यूज़ करेंगे रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट करते के साथ ही इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, मतलब वो आगे तक जो डाटा जा रहा था वो कोलैप्स होके उसी सेल के अंदर में शो करने की कोशिश करेगा। अब ज़्यादा शो करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऐसे ला के डबल क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसका साइज चेंज हो गया सेल का अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल देखिए कैसे होता है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया ये। अब इसको यहाँ पर क्लिक करिए तो देखिए पूरा एक्सपेंड हो करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक्सपेंड नहीं करना सेल को, हमें इसी के अंदर में शो कर रहा है, तो उस समय आप यूज़ करेंगे रैप टेक्स्ट। और देखिए उसी सेल के अंदर में इसको सीमित कर दिया टेक्स्ट को। नेक्स्ट आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या चीज़ होती है? अब इसको हमने सेलेक्ट करा, जैसे कुछ और चूज़ कर लेते हैं, इसे हमने चूज़ करा या फिर नया लिख लेते हैं यहाँ कुछ। कृष्णा कुमार, अब हमने कृष्णा को सेलेक्ट करा और हमने चूज़ कर देना है मर्ज एंड सेंटर। कुछ हुआ सेंटर में आ गया। तो इसके लिए तरीका बताता हूँ कैसे होता है। हमने ऐसे सिलेक्शन कर लिया एक आधा रोज ऊपर का फालतू और नीचे का। अब इन सब को हमको मर्ज करके एक ही सेल बनाना है, तो उस समय यूज़ करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए वाइट हो गया, तो एक पूरा एक सेल बन गया और इस सेल के अकॉर्डिंगली इसने इसको सेंटर में कर दिया, इसको एक सेल में कन्वर्ट कर दिया और ये सेंटर में अलाइन हो गया। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते साथ ही इसमें अदर ऑप्शंस भी हैं। मर्ज एंड सेंटर तो हमने क्लिक करा ही था। देन आता है आपका मर्ज अक्रॉस, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। देन मर्ज आपका सेल्स आता है तो वापस से वैसे ही हो गया। और अनमर्ज अगर आप क्लिक करते हैं तो जो जैसा था वैसे कंटेंट आपका हो गया। तो मर्ज सेल का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जैसे कि ये हमने कंटेंट लिख रखा है, इसके ऊपर हमने लेकिन हेडिंग नहीं डाली, तो इसके ऊपर अब जगह बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करिए यहाँ पर ऐसे, इधर वन नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ नहीं क्लिक करना, यहाँ पर आप क्लिक करिए किस पे, रो पे। यहाँ पे क्लिक करते साथ ही पूरा आखिरी तक इसमें सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर आप राइट साइड के बटन दबाइए और देखिए इंसर्ट कहाँ है, दिख गया इंसर्ट, क्लिक करिए तो देखिए एक लाइन इसमें इंसर्ट होगी। अगर आपको मल्टीपल लाइंस एक बार में इंसर्ट करनी है तो इसको यहाँ क्लिक करिए और पकड़ के ड्रैग कर लीजिए नीचे तक कि मुझे यहाँ पर 7 रोज नीचे इंसर्ट करना है, लेकिन फिलहाल हम करते हैं 2 रोज नीचे। तो हमने 2 सेलेक्ट करा और राइट साइड के बटन क्लिक करी, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से 2 रोज एक एट ए टाइम इंसर्ट हो। इस प्रकार से आपको कितने रोज एक बार में इंसर्ट करने हैं उतने रोज आप सेलेक्ट करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने लिखना है जैसे हेडिंग पर्सनल हेडिंग, अब इसको हमें इसके हिसाब से सेंटर में रखना है जहाँ तक हमारा कंटेंट है। इसको हमने सेलेक्ट करा यहाँ पर और हमने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए इस प्रकार से आ गया, इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो इस प्रकार से जैसे आप चाहें वैसे इसको चूज़ कर सकते हैं। अब जब इसको फॉर्मेटिंग करेंगे फिल करेंगे तो ये एज ए फिल होके आ जाएगा। तो एक ये तरीका होता है आपको हेडिंग वेडिंग देने के लिए। अब आपको पता, एक और ट्रिक बताता हूँ, यदि आपको पता करना है कि इसमें मैक्सिमम कितने रोज और कितने कॉलम हैं आपके इस वर्कबुक के अंदर में, तो आप क्या करिएगा इसमें कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन प्रेस करिए। तो देखिए इसमें जो लास्ट ये है रोज 1048576, ये इसका लास्ट रो है, ऐसे ही लास्ट इसका कॉलम देखना है
तो कंट्रोल के बटन प्रेस करके रखिएगा और राइट साइड के बटन दबा दीजिए। कंट्रोल प्रेस करते करते में ही राइट साइड के बटन दबाइएगा तो देखिए लास्ट जो आपका कॉलम आएगा वो आएगा XFD। ये एक अच्छी ट्रिक है। आपको यदि लास्ट रो पे जाना है या लास्ट कॉलम पे जाना है तो आप यूज़ करिएगा, कंट्रोल प्रेस करके रखिए और राइट साइड के बटन दबाइए तो आप एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे जहां पर का एंडिंग होती है कॉलम की। इसके आगे देखिए मैं राइट क्लिक राइट प्रेस कर रहा हूं, राइट एरो, लेकिन आगे जा नहीं रहा क्योंकि ये लास्ट है, इसके यदि एंडिंग है। ऐसे ही डाउन प्रेस कर रहा हूँ, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लास्ट आपका रो है 1048576। कोई भी यदि आपको पूछे कि आपके वर्कशीट में लास्ट कॉलम कौन सा है, लास्ट रो कौन सा है, तो अब आप उसमें बता सकते हैं कि भाई मेरा लास्ट जो रो आएगा 1048576 है और जो लास्ट कॉलम है उसका नाम रहेगा XFD। XFD कैसे आता है, जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा ना, ये अब वापस से वहीं जाना है जहाँ आपने शुरुआत करी थी, तो कंट्रोल प्रेस करिए और अप एरो दबा दीजिए तो देखिए वन नंबर पे आ गया। कंट्रोल प्रेस करिए, लेफ्ट एरो दबाइए तो आप टॉप पे आ जाएंगे जहाँ थे आप, ठीक है ना। तो ये आपको बता देता हूँ XFD कैसे आया था। जैसे राइट क्लिक कर रहे हैं तो जब जेड आ जाएगा तो जेड के बाद आपका शुरू होगा फिर ABC, इस प्रकार से AA शुरू हुआ। फिर जब ये आपका AZ आपका ख़त्म हो जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगा आपका BA, फिर BBB BC, इस प्रकार से फिर CA, फिर DA, फिर EA, इस प्रकार से आपका होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे अगर आपको देखना है कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, कंट्रोल का इस्तेमाल करिए, एरोज़ का इस्तेमाल करिए, तो इस प्रकार से आप लास्ट में जा सकते हैं। अब जैसे कि अर्निंग है, इस अर्निंग को हमें शो करना है करेंसीज़ में, तो उसके लिए आप चूज़ करेंगे ये, इस पर क्लिक करते साथ ही देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली R लिख किया गया, रुपीज़, तो ये इंडियन करेंसी का सिंबल है। यदि आपको और किसी कंट्री का चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हैं, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको सही लगता है। ओके, तो देखिए डॉलर आ गया, अंडू अंडू। तो इस प्रकार से आप अकाउंटिंग सिंबल यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखिए यूरो यूज़ करना है तो यहाँ पर हमने क्लिक करा, यूरो का साइन आ गया। तो आप जैसे चाहें वैसे इसमें चूज़ कर सकते हैं साइन के लिए, कहीं और इधर ढूंढने ढाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नेक्स्ट आता है आपका परसेंट स्टाइल, इस पर क्लिक करा तो देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिकली लिख के आ गया, जो हमारा 20,000 था उसमें और 100 ऐड हो गए। अंडू, देन आता आपका इसमें कॉमा स्टाइल, इस पर क्लिक करा, जैसे हम लोग इंडियन स्टाइल में लिखते हैं ना 20,000, इस प्रकार से जो लिखते हैं तो उस फॉर्मेट में चाहिए, तो देखिए अलॉन्ग विद डेसिमल पॉइंट्स आ गया, 20,000 शो करना था 20,000, देन .00, तो इस प्रकार से फॉर्मेटिंग इसकी आ गई। अंडू कर दीजिए, जैसा था वैसा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है आपका इसमें इंक्रीज डेसिमल, यदि हमने किस पे क्लिक करा तो 10 आया, आप देखते रहिए यहाँ पर देखते रहिए 10 इंक्रीमेंट हो गया, देन और क्लिक करा देखिए कितने डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं। अब वापस इसको डिक्रीज करना है तो यहाँ क्लिक करते रहिए, ये देखिए जैसा था वैसा हो गया। तो ये आपने देख लिया नंबर फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में आ रहा है, नंबर में। अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर रही है तो उस समय आप यहाँ क्लिक करेंगे, जनरल करना है, नंबर है बाय डिफॉल्ट, और कुछ फॉर्मेट करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। हमें इसको करना है टेक्स्ट में, तो देखिए ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइन हो गया और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब होता है कि इसके पास समिंग नहीं होगी और इसका टोटलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अंडू, राइट अलाइन पे है तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक है बाय डिफॉल्ट, अगर लेफ्ट अलाइन हो गया हमने इसको टेक्स्ट कर दिया तो इसकी टोटलिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, देखिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके में हमने क्लिक करा, हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करा और हमने चूज़ करा ग्रेटर देन, इसमें लिख किया गया 30,000। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हाईलाइट होके आ गया
40,000 जितने भी हैं, 30,000 से ज़्यादा वाले, उन सबको हाईलाइट कर दिया इसने, अंडू। ऐसे ही हमें लेस देन करना है कि लेस देन कुछ अमाउंट से हो, ये आप खुद भी लिख सकते हैं इसमें, लेस देन 10,000 हम इसमें कर देते हैं, लेस देन 20,000 से कम नहीं है, 40,000 कर देते हैं, हो गया। ये देखिए इसने इसको हाईलाइट कर दिया, जो भी 40,000 से कम है, जैसे 20,000 इससे कम है तो उन सबको इसने हाईलाइट कर दिया। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करा फिर देन नेक्स्ट। तो इसी प्रकार से बिटवीन चूज कर सकते हैं, बिटवीन मतलब जैसे 10,000 से 30,000 के बीच में जो भी है उन सबको हाईलाइट करेगा। इसके लिए हम चूज कर लेते हैं इसको भी, और एक थोड़ा सा यहाँ तक ले लेते हैं, इसमें 30,000 भी है, इसमें हमने क्लिक करा, क्लिक बिटवीन चूज करा 25,000 और 38,000 के बीच में हमने ओके करा, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 30,000 को इसने हाईलाइट करा है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं इसमें, ऐसे ही इक्वल टू अगर आप करते हैं तो इक्वल टू में जैसे आपने चूज कर लिया 20,000 ओके करा, तो सिर्फ 20,000 वाले ही हाईलाइट होंगे, बाकी सब हाईलाइट नहीं होंगे, अंडू। क्लिक कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसके बाद फिर आ जाते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंस। अब इसमें तो न्यूमेरिक है तो हमें न्यूमेरिक छोड़ के अब जाना पड़ेगा टेक्स्ट में, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसमें क्लिक किया कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेक्स्ट डेट कंटेंस, मैक ऑटोमेटिकली इसने ले लिया, और अगर चाहते हो कुछ और लेना तो यहाँ लिख दो, जैसे मैक नहीं जैक चाहिए, जितने भी जैक हैं उन सबको हाईलाइट करना है। देखिए इसने ऑटोमेटिकली सब जैक वालों को हाईलाइट कर दिया, और अगर आपको मैक करना है तो यहाँ लिख दीजिए एम, एम लिखते साथ ही ऑटोमेटिकली सारे हाईलाइट हो गए। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और जैक को क्लिक करा, देखिए ऑटोमेटिकली सब हो गया, सेल रेफरेंस दे दिया हमने उसमें, फिर से यहाँ क्लिक करिए, ये ऐसा वापस हो गया, कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट, ऐसे ही इसमें क्या होता है, डेट 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 लिखी हुई है हमारी, तो डेट के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन डुप्लीकेट वैल्यू, अगर डुप्लीकेट वैल्यू पे अप्लाई करना है तो डुप्लीकेट वैल्यू, देखिए सारे डुप्लीकेट है। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें और भी हैं। ऐसे ही आगे हमें जैसे यूज़ करना है कि टॉप 10 में जैसे कोई आती है कंपनीज वगैरह हैं, उस समय यूज़ करेंगे टॉप 10, नहीं कि अभी हमारे पास कम है डाटा तो हम यूज़ करेंगे टॉप 3 या 2 यूज़ कर लेते हैं। ओके किया तो देखिए आ गया। तो इस प्रकार से आप टॉप 10 कंपनी जैसे निकालना चाहते हैं, 1,000 कंपनी से उसमें टॉप 10 निकालना चाहते हैं तो उस समय आप यूज़ करेंगे ये, और आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं टॉप 10 इस प्रकार से, बॉटम 10, देन कलर स्केल इसको चूज़ किया और क्लिक कर दिया, तो देखिए इस प्रकार से कलरिंग होके आ गई, तीन कलर तीन डाटा के वेरिएशन हैं तो तीन कलर में कलर होके आ गया। देन डार्क बार्स, ये देखिए इस पर जैसे क्लिक करके देखेंगे यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे चाहिए आपको फॉर्मेटिंग, उस हिसाब से फॉर्मेटिंग इसकी आ जाएगी। ये देखिए जो आपको पसंद हो उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। आइकन सेट्स, अगर आइकन लगा रहे हैं तो देखिए इस प्रकार से आप कई सारे देखते होंगे ना, एक्सेल की शीट आती है, एक्सेल की फाइल आती है आपके पास, उसमें आप देखते हैं इस प्रकार के आइकन लगे रहे तो आप मतलब सोचते होंगे भाई सब ये कैसे हो जाएगा, तो ये देखिए ये सब यहाँ से आइकन्स लग जाते हैं इसके अंदर में। अगर आपको आइकन लगाना है तो ओके कर दीजिए, देखिए सबके साथ में आइकन लग गए हैं, यहाँ पर अंडू कर दिया हमने। तो ये सब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से, ये तो सब रेडीमेड रूल्स हैं। अगर आपको न्यू रूल बनाना है तो न्यू रूल पे आप क्लिक कर सकते हैं, खुद के हिसाब से चूज़ कर लीजिए, यदि आप ज़्यादा एडवांस यूज़र हैं तो अपने हिसाब से आप इसमें रूल चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और अगर यदि आपने इसको कोई अप्लाई कर दिया है, हटाना है
तो क्लियर रूल्स क्लिक एंड कैप। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट ए टेबल। ये हमारी टेबल है, इसको फॉर्मेटिंग कर रही है, चूज़ कर लो कौन सा अच्छा लग रहा है, रेंज यही है ना। ओके देखिए ऑटोमेटिकली आपके टेबल बन के तैयार होगी। और प्लस यहाँ आपका लग गया ड्रॉप डाउन जिसको बोलते हैं फिल्टर, इसने साथ साथ यहाँ फिल्टर लगा दिया। इसका हम बाद में देखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है फिल्टर का। तो देखिए अभी के लिए कि कैसे इसमें हमने टेबल की फॉर्मेटिंग कर दी। फिर से देख लीजिए यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में गए, यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है। इनकेस आपने नहीं भी सेलेक्ट किया तो आप यहाँ क्लिक करिए, हमने चूज़ करा है ब्लू वाला अच्छा लगता है ऑफिशियल, हमने चूज़ करा इसको और यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया कि हमें इतना ही भाग करवाना है। ओके तो देखिए आपकी टेबल कितनी बढ़िया तैयार हो गई, फॉर्मेटिंग बढ़िया हो गई और साथ में यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया फिल्ट्रेशन के लिए कि हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। अंडू, तो ये हो गया टेबल फॉर्मेटिंग। देन सेल स्टाइल्स, इसमें हमने चूज़ किया ये थोड़ा सा और क्लिक करा सेल स्टाइल्स, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके देखते रहिए, जैसे माउस मूव करेंगे आपको दिखाता रहेगा कि कैसे आपको स्टाइल चाहिए सेल का, हमने चूज़ कर लिया ये। तो ये कुछ पर्टिकुलर एरिया को अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है तो उस समय आप यूज़ करेंगे सेल स्टाइल्स। ये हो गया, इसमें अगर आपको जाना है कि न्यू सेल स्टाइल खुद का बनाना है तो आप जाकर बना सकते हैं। देन आपका आता है इसमें नेक्स्ट सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें कुछ डालना है, मैक और जैक के बीच में कुछ डालना है, तो आप जाएंगे यहाँ इंसर्ट में, इंसर्ट में आपने बोला क्या इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करा है, तो एक प्रकार का छोटी सी विंडो आ गई। हम यहाँ रखते हैं थॉमस पे, इंसर्ट में गए, इंसर्ट सेल पे क्लिक करा, इंसर्ट सेल राइट पे क्लिक कर दिया, ओके बोल दिया। तो देखिए सारा का सारा शिफ्ट हो गया, सिर्फ उतनी पर्टिकुलर एरिया को उसने खाली कर दिया, यहाँ कुछ डालना है। तो देन नेक्स्ट आता है इंसर्ट सेल, देन शिफ्ट सेल डाउन। अब डाउन करते जाते नीचे पुश हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्पेस खाली हो गया। देखिए अंडू, देन इंसर्ट, ये किस पे क्लिक करा, एंटायर रो मुझे नीचे शिफ्ट करना है, 7 नंबर से इसको नीचे 8 नंबर पर पहुँचाना है, एंटायर रो। ओके तो देखिए पूरा पूरी की पूरी लाइन खाली होगी। ऐसे ही इंसर्ट करना है हमें इंसर्ट सेल कॉलम, पूरा पूरा कॉलम शिफ्ट करना है, तो देखिए पूरा कॉलम शिफ्ट हो गया। अंडू, तो उस समय आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको बीच में कोई इंसर्ट एक नई लाइन डालनी तो उस समय यूज़ करेंगे इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम। देन इंसर्ट शीट, अभी हमारे पास शीट वन ही है, हमें एक और शीट चाहिए तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट पे, तो देखिए शीट टू आपकी आ गई यहाँ पर, शीट वन हमारी ये रही और शीट टू ये रही ब्लैंक। अब इस शीट टू को हमें यहाँ से डिलीट करना है तो क्या क्लिक करेंगे, डिलीट पे, डिलीट शीट पे क्लिक कर दो, तो देखिए आप शीट टू यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो ये इंसर्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है ना। तो अंडू करते जा रहा हूँ मैं, और आपने देख लिया इंसर्ट शीट भी देख लिया, इन शीट जो हमने इंसर्ट करी थी उसको डिलीट करना भी आपने यहाँ से देख लिया। ऐसे ही रोज को भी आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा इंसर्ट शीट रो, इसको डिलीट करना है तो डिलीट शीट रोज, ऐसे ही आप डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट एंड डिलीट ऑफ रोज एंड कॉलम एंड सेल्स एंड शीट्स, तो ये सब आपने इसमें सीख लिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर में फॉर्मेट। फॉर्मेट में जैसे हमने इसको क्लिक किया रो हाइट, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट रो हाइट है वो है 14.4, ये हो गया आपकी डिफ़ॉल्ट रो हाइट, मतलब ये जो आपका हाइट है इतना जहाँ पर लिखा हो मैक, ये रो हाइट जो आपकी है 14.4 है बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे ही फॉर्मेट में गए, इसमें हमने रो हाइट इसका चेंज कर देना है, जो 14.4 आ रहा है उसको चेंज करके हम कर देते हैं 20, एंटर। तो देखिए
ये 8 नंबर की जो थी इसको बड़ा करके 20 कर दिया इसने, अनडू। देन फॉर्मेट में गए और इसको हमने कर देना ऑटो फिट रो हाइट, तो अभी कुछ होगा नहीं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ऐसा कर दिया, आप करिए फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर दिया, जो दिख नहीं रहा था टेक्स्ट कंटेंट वो उसको उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। जो हम वहाँ से पहले सीख चुके हैं कि इसको डबल क्लिक कर दो या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, ये जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है इसमें वैसे ही कॉलम विड्थ 8.11, ये आपकी होती है कॉलम विड्थ, चेंज करना है तो किसकी चेंज कर देते हैं, इसकी चेंज कर देते हैं और कर देते हैं इसकी कॉलम विड्थ, कहाँ गया, कॉलम विड्थ पे हमने क्लिक करा और कर दिया इसको हमने 12। ये देखिए तो ये हो गया विड्थ का। नेक्स्ट आता है आपका हाइड एंड अनहाइड। कई लोग बड़े परेशान रहते हैं, अरे भैया हमारे इसमें ए वाला कॉलम नहीं दिख रहा, बी वाला कॉलम नहीं दिख रहा, सी नहीं दिख रहा, तो वो सब आज आप देख लेंगे कैसे हाइड होता है और कैसे अनहाइड होता है। हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और हमने चूज़ कर लेना है हाइड अनहाइड। तो हाइड रोज, तो दो सेलेक्टेड हैं हमारे, एल नेम और थॉमस, लेकिन होगा पूरा का पूरा हाइड रोज, एफ नेम और मैक वैक सब हो जाएगा। देखिए हाइड रोज हो गया, हाइड 3 के बाद सीधा 6 नंबर आ रहा है, 4, 5 यहाँ से गायब हो गया क्योंकि वो हाइड हो गया। अब वापस से फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड, और इसमें क्या कर देना है, अब हमें अनहाइड रोज। देखिए वापस से रीगेन हो गए, 4, 5 वापस हमारे आ गए हैं। ऐसे ही फॉर्मेट में गए, हाइड अनहाइड, हाइड हमने कर दिया कॉलम, तो अभी बी वाला जो कॉलम है आपका वो हाइड हो जाएगा। देखिए ए के बाद सी आ रहा है, बी गायब हो गया। वापस से लाना है तो फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड में जाइए और यहाँ से चूज़ कर लीजिए अनहाइड कॉलम। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर हमने क्लिक करा, दो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने राइट साइड के बटन दबाई और इसके अंदर में ऑप्शन आता है, देखिए हाइड, जितना सेलेक्ट किया था उतना हाइड, देखिए 4, 4 का 5 गायब हो गया हमारा, अंडू। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट करा। ऐसे ही अगर आप कॉलम पे रख के राइट साइड के बटन दबाएंगे और बोल देंगे हाइड, हो गया हाइड। अनहाइड के लिए ए और सी के बीच का मिसिंग है ना, तो इसको दोनों को सेलेक्ट करिए और राइट साइड के बटन दबाइए और बोल दीजिए अनहाइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इसको शॉर्टकट के थ्रू यूज़ करना है तो दो का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे ए और सी के बीच में बी मिसिंग था, दोनों को सेलेक्ट करके तब अनहाइड होगा, अदरवाइज अनहाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, तो ये हमारा कवर होता है हाइड अनहाइड। अब आप सीख चुके हैं हाइड अनहाइड कैसे कर सकते हैं, या तो यहाँ से या तो फिर आप शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। देन आता है आपका रीनेम शीट, शीट का नाम अभी आपका लिख के आ रहा है यहाँ पर शीट 1, चेंज करना है नाम, हमें चेंज करके लिखना है यहाँ पर क्रिश TOYZ, और देखिए नाम चेंज हो गया। तो ऐसे अगर आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, करना चाहते हैं नाम, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीनेम शीट हो गया। देन मूव और कॉपी शीट, अब इसी का हमें डुप्लीकेट शीट बनानी है, तो उस समय आप चूज़ करेंगे फॉर्मेट मूव और कॉपी शीट, हमने चूज़ किया क्रिएट ए कॉपी ऑफ क्रिश टॉयज और ओके कर दिया। देखें, देखिए सेम टू सेम इसकी शीट की कॉपी बनके तैयार हो गई है, जो हमारा शीट क्रिश टॉयज पे डाटा है वो हमारा यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप कोई भी शीट को डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका टैब कलर। अब जो इसमें डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है वाइट आ रहा है, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो येलो ठीक रहेगा, ग्रीन ये यूज़ करते हैं। तो देखिए टैब का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया। देन नेक्स्ट ये हो गया टैब कलर, जो भी मल्टीपल कलर आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर।
देन आपका आता प्रोटेक्ट शीट, हमने इसको क्लिक कर दिया और प्रोटेक्ट में हमने ये सब बाय डिफॉल्ट जो भी सिलेक्टेड है हमने इसको ओके बोल दिया, या फिर हमें चाहिए कि कुछ भी इसके अंदर में काम आप कोई ना कर पाए सब हमने सेलेक्ट कर लेना है और ओके। अब देखते हैं कुछ कि डिलीट हो पाता है, देखिए डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसको पूरा प्रोटेक्शन दे दिया है कि आप इसमें डिलीट ना करें, इंसर्ट ना कर पाएँ, कुछ भी ना कर पाएँ, सिर्फ देख पाएँ। तो इसलिए हमने सारे इसके रूल्स सेलेक्ट कर लिए थे। तो फॉर्मेट में वापस से गए और हमने कर दिया अनप्रोटेक्ट शीट। अब देखते हैं इसको डिलीट करके, देखिए डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जो आपको रूल अप्लाई करना है वो चूज़ करिए, नहीं करने जो उसको हटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया अपनी वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट वन में आज बस इतना ही, पार्ट टू में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।